17वीं से 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, माइकल फराडे तथा कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले विज्ञान की ऐसी अद्भुत खोज की गई जिसने मानव जीवन के पूरे स्वरूप को ही बदल कर रख दिया, विद्युत अर्थात बिजली। आज इंसान सुबह से लेकर रात तक हर पल बिजली के कारण सुखद और आरामदायक जीवन यापन कर रहा है। पर जरा सोचिए, यदि बिजली रूपी वरदान आज हमारे पास न होता तो क्या होता? उत्तर में हम यही पाएंगे कि बिजली के बगैर मानव जीवन अधूरा रहता तथा इसके विकास की गति बहुत धीमी हो जाती। ऐसी अवांछित स्थिति से निजात दिलाने और अपने राज्य तथा राज्यवासियों के विकास गति को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है JBVNL अर्थात झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। झारखंड बिजली वितरण निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि कंपनियां अपने वित्तीय स्थिति में सही ढंग से काम कर सकें, खुद पैसे कमाएं, बिजली खरीदें और अपने ग्राहकों को, अपने कंज्यूमर्स को सही ढंग से बिजली दे सके। आज JBVNL झारखंड राज्य की सबसे बड़ी डिस्कॉम है जो झारखंड राज्य में LT और HT उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने का कार्य करती है, जिसमें घरेलू, सरकारी संस्था, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कृषि क्षेत्र, सड़कें, स्टेडियम, विद्यालय इत्यादि शामिल है। JBVNL का कमर्शियल विभाग अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है और वो सस्ती बिजली को उपलब्ध करा के अपने उपभोक्ताओं को पहुंचा रहा है ताकि उन्हें 24 घंटा सही बिजली मिल सके और अच्छी बिजली मिल सके और वो आगे बढ़ सके। आज JBVNL के पास लगभग 50 लाख का पंजीकृत उपभोक्ता आधार है और लगभग 3000 मेगावाट का पिक लोड। मगर कहते हैं ना कि बड़ी जिम्मेदारियों के साथ साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं, और ऐसी ही कुछ चुनौतियां जैसे बिजली की बढ़ती आवश्यकता, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, उच्च AT&C नुकसान, बिलिंग सिस्टम माइग्रेशन, अपर्याप्त कार्यबल, सीमित विद्युतीकरण और घटते बिजली की बुनियादी ढांचे JBVNL के रास्ते में भी आई, जिन पर काबू पा परिवर्तन लाने की इस यात्रा में JBVNL के द्वारा गत वर्ष प्रोजेक्ट प्रगति अर्थात पावर रिफॉर्म्स एक्सेलरेशन थ्रू गवर्नेंस अवेयरनेस एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की शुरुआत की गई, जिसके 6 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं: फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थ्रू रेवेन्यू रियलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रिफॉर्म्स इन पावर सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर ईज ऑफ बिलिंग एंड कलेक्शन, अडॉप्टिंग गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, यूजिंग डाटा एनालिटिकल टूल्स फॉर R&D, reaching out to the consumers and grievance redressal. CMD सर के दिशा निर्देश अनुसार हम लोगों ने प्रोजेक्ट प्रगति की शुरुआत की। प्रोजेक्ट प्रगति में जो भी पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स हो रहे थे, कंज्यूमर के जो भी ग्रीवांसेस थे, जिस तरह से भी कंज्यूमर तक हम रीच आउट कर सकते थे, नए डेटा एनालिटिक्स के टूल्स का इस्तेमाल करना, इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करते हुए अपने रेवेन्यू बेस को सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल में लाना हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसके अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और अपने उपभोक्ताओं को सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट, QR कोड, ATP जैसी तकनीकी सुविधाओं के जरिए वर्तमान भुगतान माध्यमों को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे विभाग के कार्यों को गति मिले और दूर दराज इलाकों के उपभोक्ताओं को भी परेशानी ना हो। जब से ATP मशीन आया है, बिल मतलब कि हम लोग कहीं से भी जमा कर सकते हैं, सबसे पहला इसका ये अच्छा है। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें बहुत कम समय में बिल जमा हो जाता है और एरर बहुत कम आता है। इसके साथ ही नए इनिशिएटिव्स जैसे कि सुविधा, सेल्फ बिलिंग एप्लीकेशन, एनर्जी पेमेंट इंटरफेस एप्लीकेशन, एंटी पावर थेफ्ट ऐप, लोड कैलकुलेटर ऐप, ऑनलाइन वन टाइम सेटलमेंट और सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड से मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं, जो आज JBVNL के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं, जो न सिर्फ डिजिटल झारखंड के सपने को साकार कर रही हैं, बल्कि सभी उपभोक्ताओं के लिए ईज ऑफ लिविंग का भी कार्य कर रही है। JBVNL के द्वारा उपभोक्ताओं से प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रत्येक माह में 2 बार ऊर्जा मेले का आयोजन किया जाता है,
जिसमें अब तक लगभग 45,000 आवेदनों में से 35,000 से अधिक का समाधान किया जा चुका है। जितने भी कंज्यूमर कंप्लेंट्स वगैरह हैं जो हमारे कंप्लेंट रेजोल्यूशन सिस्टम से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए झारखंड में 5 जगह पर कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम स्टार्ट किया गया है, जो वहां जाके अपना कंप्लेन दे सकते हैं। वहीं दूर दराज के उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ ऊर्जा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें स्थानीय समस्याओं का निष्पादन भी किया जाता है। नतीजतन ऐसे गांव जहां आजादी के 75 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंच सकी थी, आज वहां भी JBVNL द्वारा तेजी से बिजली पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जब से गांव में हम इनकर गांव में बिजली आया है, तब से हम इनकर छुआ मने रात में भी पढ़ाई कराना, जब मर्जी तब पढ़ाई लिखाई कराना। रोशनी के वजह से हम इन रात में भी खाना बनाईला और सुबह जल्दी जैसे जल्दी जाए रहेला, तो उस समय भी रात 3-4 बजे भी उठ के खाना हम इन बनाईला रोशनी कर कारण से। बिजली जब से आए है तब से हमने मन के बहुत सुविधा हो जाए। इसके साथ ही झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 100 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा उपभोक्ताओं तक JBVNL द्वारा पहुंचाई जा रही है। इसके तहत लगभग 15 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। इस तरह कुल 35 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी और मुफ्त बिजली की का लाभ दिया जा रहा है, और साथ ही सभी कृषि उपभोक्ताओं को भी यह लाभ दिया जा रहा है। जितने भी हमारे झारखंड राज्य में जितने भी कृषि उपभोक्ता हैं, उन पर आर्थिक बोझ ना पड़े, इसलिए सरकार ने यह नीति बनाई है, जिसके तहत सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडाइज रेट पर बिजली बिल का भुगतान करना रहता है। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा सौर्य ऊर्जा के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे बिजली की खपत कम हो और भविष्य के लिए भी बिजली बचाई जा सके। एक तरफ जहां उपभोक्ताओं को दिक्कत ना हो, इसलिए विभाग के द्वारा टोल फ्री नंबर 1912-1800-345-6570 या 1800-123-8745 नंबर जारी करना, SMS के माध्यम से बिल भेजना और स्मार्ट मीटर लगाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। लगभग झारखंड के 45 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को सुविधा दी जा रही है, जिसके लिए हमारे ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित सारे स्टाफ, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कर्मचारी पदाधिकारीगण दिन रात तत्पर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से भुगतान न करने वाले बकायेदारों के खिलाफ विभाग द्वारा सख्त रवैया अपनाकर बकाया राशि की वसूली की जा रही है। साथ ही राज्य के घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट OTS स्कीम का लाभ उपभोक्ताओं तक JBVNL के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पहुंचाई जा रही है। वैसे उपभोक्ता जिनका लोड 5 किलोवाट तक हो, चाहे वो अर्बन उपभोक्ता हो चाहे वो रूरल उपभोक्ता हो, उनका 31/12/2022 तक जो भी बिजली बिल का बकाया है, उसमें से सूद की राशि माफ़ करते हुए जो भी मेरा मूल राशि आता है, उसमें वो 5 इंस्टॉलमेंट के रूप में रुपया जमा कर सकते हैं। राज्य में बिजली की चोरी की सर्वविदित समस्या को कम करने के लिए भी JBVNL ने नई व्यवस्थाएं बनाई है, जिसके अंतर्गत एक तरफ जहां HT श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं का रिमोट मीटरिंग सिस्टम से प्राप्त रीडिंग के आधार पर बिलिंग किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ MRT टीम द्वारा उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं के परिसर का अचूक निरीक्षण एवं मीटर का MRI किया जाता है। साथ ही संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर कार्रवाई भी की जा रही है। सप्ताह में 2 दिन हम लोग अभी रेड चला रहे हैं। विद्युत चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पिछले महीना हम लोग 230 उपभोक्ताओं के यहाँ प्राथमिकी दर्ज किए हैं, जिससे करीब 42 लाख रुपया की राजस्व प्राप्ति हुई है। हाल ही में एंटी पावर थेफ्ट ऐप के विकास के बाद सेंट्रलाइज्ड रूप से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि लोगों में बिजली चोरी के प्रति भय उत्पन्न हो और बिजली चोरी जैसी घटनाओं पर विराम लगाया जा सके। विभाग कार्य करने के साथ साथ इसकी समीक्षा पर भी पूरा ध्यान देता है, जिसके तहत JBVNL द्वारा लगातार समीक्षात्मक बैठक, कंज्यूमर मीट इत्यादि का आयोजन किया जाता है, जिससे योजनाएं सफलतापूर्वक धरातल पर उतर सकें।
इसके साथ ही मुख्यालय स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम द्वारा सीधे उपभोक्ताओं से बिल भुगतान, विभाग की योजनाओं की जानकारी व बिजली की गुणवत्ता संबंधित फीडबैक ले सेंट्रलाइज्ड डाटा पंचिंग के माध्यम से उनकी समस्याओं का हल भी निकाला जा रहा है। लोगों के बीच विद्युत जागरूकता बढ़ाने के लिए 200 से अधिक मॉनिटरिंग ग्रुप बनाए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स, शॉर्ट वीडियोस, एनिमेशंस, ईकेवाईसी, माइकिंग, वॉल पेंटिंग, ऊर्जा क्विज और साइन बोर्ड का सहारा लिया जा रहा है, जिससे JBVNL को लेकर आम जन की धारणा धीरे धीरे बदल रही है। फलस्वरूप 6 महीने पहले तक जो बिलिंग प्रतिशत 48% पर रुका हुआ था, वो बढ़कर 80% हो गया है। जहां 1,00,000 उपभोक्ता आज ऐप के माध्यम से बिल का भुगतान कर रहे हैं, वहीं लगभग 20,00,000 लोगों ने सरकार की सब्सिडी का लाभ भी लिया है तथा अब तक 2,00,000 लोग OTS योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही गत वर्ष में 3,00,000 नए उपभोक्ताओं को भी जोड़ा गया है। गत वर्ष जहां JBVNL को लगभग 280 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था, वहीं वर्तमान में MD श्री अविनाश कुमार, निदेशक श्री मनीष कुमार के नेतृत्व तथा कर्मचारियों के कार्य के प्रति समर्पण तथा प्रोजेक्ट प्रगति के सफल संचालन के बाद वर्तमान में JBVNL ने 1,000 करोड़ रुपए से भी अधिक राजस्व प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं विगत कुछ महीनों से JBVNL ने रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण करते हुए औसतन 700 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर AT&C लॉस में उल्लेखनीय कमी लाई है। इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोजेक्ट प्रगति के परिचालन के बाद JBVNL कई कीर्तिमान हासिल करते हुए प्रगति पथ पर गतिशील है। हम लोगों का जो फाइनल विजन है वो है कि किस प्रकार से हम लोग जो JBVNL है उसको एक टॉप क्लास कंपनी बना सके और साथ ही साथ लोगों को टॉप क्लास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। इसके लिए पूरी टीम ने जितनी भी मेहनत की है गत 6 महीनों में, मैं उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी मिलकर हमेशा लोगों के लिए 24/7 अपनी सेवाएं देते रहें। कंपनी की इस नई मजबूत, सशक्त और सुदृढ़ कार्य प्रणाली को धरातल पर लाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभागीय स्तर पर उत्साहवर्धन करने हेतु समय समय पर पुरस्कृत भी किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार के नेतृत्व में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड सफलता के नई कीर्तिमान लिख रहा है। हो 24 घंटे बिजली की बेहतर सुविधा, शिकायतों का निवारण हो तुरंत, इस दिशा में आज पूरे प्रदेश के लोगों तक गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड।